Hello, morning students. How are you all? Hope you all are fine. Students, आज हम लोग एडिशन सीखेंगे वो भी नंबर लाइन पे एडिशन सीखेंगे नंबर लाइन पे यहाँ हम लोग चैप्टर फर्स्ट नंबर फ्रॉम 0 to 19 को रिवीजन कर रहे हैं उसमें एडिशन आज सीखेंगे वो भी इस पे नंबर लाइन पे तो हम लोग चलते हैं एडिशन पर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम 3 plus 4 को ऐड करना है हमें तो हम नंबर लाइन में कैसे ऐड करेंगे हाउ वी विल ऐड 3 plus 4 ऑन नंबर लाइन हम कोई जब यहाँ स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम हमारी इच्छा अनुसार अपना नंबर वहां लिख सकते हैं अब हमको 3 plus करना है 4 पहले हम 3 करेंगे ना 3 को देखेंगे 3 पोजीशन पर जाएंगे तो हम यहां से उठेंगे 3 यहां जाएंगे 1, 2, 3 और 4 करना है यहां से हमें क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है 4 ऐड करना है किसमें 3 में तो यहां से हम फॉरवर्ड चलेंगे आगे की तरफ जब ऐड करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 1 times, 2 times, 3 times, 4 times हम 3 से वहां पहुंचे 4 ऐड करना था हमें तो 4 टाइम्स हम आगे बढ़े तो हम किस पोजीशन पे बढ़े 7 पे कहां आगे खड़े हो गए 7 पे तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 7 ओके बहुत आसान है एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे 5 plus 2 3 कर लेते हैं 5 plus 3 ओके अब इसको हम इरेज करते हैं ठीक है इरेज कर लिए अब यहाँ 5 से हम 5 पहले हम 5 पहुंचेंगे डायरेक्ट ये 5 है मेरा 5 पे पहुंच गए ठीक है अब हम 3 इसमें ऐड करेंगे 3 ऐड करना है तो 5 से 3 टाइम्स आगे बढ़ेंगे कितने टाइम्स हमको जितना ऐड करना होगा जितना उसमें ऐड करना होगा नंबर में उससे आगे बढ़ेंगे 1 times, 2 times, 3 times 1 times, 2 times, 3 times हम कहाँ पहुंच गए 8 पे पहुंच गए जब हम 8 पे पहुंच गए तो हमारा आंसर क्या होगा 5 plus 3 is equal to 8 5 plus 3 is equal to 8 ओके स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं बड़ा लेते हैं नंबर्स ठीक है यहाँ हमने 7 लिख दिया तो 7 लिखा तो इस नंबर को और बढ़ाना पड़ेगा ठीक है 11, 12, 13, 14 मान लीजिए 14 तक हमने नंबर को इंक्रीज कर दिया तो हम 5 पे ऑलरेडी पहुंचेंगे पार्ट ऑफ 5 पे पहुंचेंगे ओके अब 7 को ऐड करना है 7 टाइम्स हम आगे बढ़ेंगे 5 से 7 टाइम्स आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4
सेवन हमारे गूगल पे नंबर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। हम कहाँ पहुंच गए? 12 पर। कहाँ? 12 पर। हमारा आंसर क्या हुआ? 12। हमारा आंसर क्या होगा? 12। ओके, पोजीशन पे पहला जो नंबर है उस पोजीशन पे हम आ गए। अब यहाँ से 5 टाइम्स आगे बढ़ना है हमको, क्योंकि 5 को ऐड करना है, तो यहाँ से 5 टाइम्स 2 से हम 5 टाइम्स आगे बढ़ेंगे। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 टाइम्स आ गए, 1 2 3 4 5 टाइम्स आगे आ गए। तो हम कहाँ किस पोजीशन पे पहुंच गया है? 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7। वेरी इजी है, इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 प्लस 4 ठीक है, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक हमने नंबर लाइन बना लिया ठीक है। नंबर लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम 6 के पर पहुंचेंगे, घर यहां से 6 पे पहुंच गए, उसमें ऐड कितना करना है हमको? 4 करना है। ऐड कितना करना है? 4। तो यहाँ से 6 से हम 4 टाइम्स आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 किस पोजीशन पे आ गए? नंबर 10 पे आ गए, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हमारा आंसर। इस तरह से हम नंबर लाइन को ऐड करेंगे। बोला आप लोग इसको करिएगा, पेज नंबर 20 और 21 करिएगा, पेज नंबर 20 और 21 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।